तो आपके सहेली वगैरह है? पहले बार में कैसे बोले भाई भाभी से? कहीं भाभी का ये जिम्मेवारी ज्यादा भारी तो नहीं लग गई? आप भी नहीं भाव खाए? अगर ये नहीं मिलते तो फिर कीमती सीन दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे वीडियो स्क्रीन पर, तो ये बताइए इंस्टाग्राम पे फोटो सेंड करके पसंद किए हैं कि यह आमने सामने? कोई फोटो सेंड करके नहीं, ऐसे ऐसे आमने सामने। हेलो हाय तो होगा होगा, मतलब कभी नखरा नहीं दिखाए कि नहीं शादी करूंगा, ऐसा नहीं बोला? मतलब पहला बार में ही प्यार हो गया? तो भाई देख लो, ऐसा ही होना चाहिए आजकल की लव स्टोरी। आप भी नहीं भाव खाए? अच्छा, आप पहले बार में कैसे बोले भाई इनसे, भाभी से? आई लव यू। भाभी ने क्या बोला? आई लव यू टू बोला? अच्छा, आई लव यू। डर लगा होगा पहले हम दोनों मिले हैं तो शादी नहीं हो पाएगा ऐसा? अच्छा, आप ज्यादा समझदार हैं, इनको हौसला दिए होंगे। तो किसने कहा कि मुझे दिल्ली ले चलो या हम दिल्ली ले चले? अच्छा, आप बोले ये आ रहे थे, तैयार हुआ था, हुए थे भाई? लेकिन आप इतना उदास क्यों फील हो रहे? कहीं भाभी का ये जिम्मेवारी ज्यादा भारी तो नहीं लग गई? हाँ भाई, पछताते नहीं? अच्छा, शादी करके जैसे, हाँ, क्योंकि और सब भाई है ना, आप ही जैसे कदम उठाएंगे तो वो भी सोचेंगे कि हाँ लव स्टोरी शादी करने से क्या फील होता है। मतलब एक तो बात ये फाइनल है कि हम एक दूसरे से मिल जाए, शादी कर ले तो सबसे बड़ी खुशी है, उसके बाद खाने कमाने की तो पूरी जिंदगी है। पूरी जिंदगी है, वो तो दोनों लोग भी करेंगे तो भी कमा सकते हैं ना। अगर ये नहीं मिलते तो फिर मैं दुनिया से चला जाऊं कभी ना ला। नहीं, इसकी तरह नहीं, भगवान करे आपको इसी जन्म में नहीं, हर जन्म तक हाँ आप दोनों ऐसे रहो। भाभी इनसे मिलके कितना खुश है? बहुत ज्यादा। तो आपके सहेली वगैरह है? तो मुझे लग रहा है आपकी जैसे सहेली होगा। कुमारी है कि शादी हो गई? नहीं, सहेली की शादी हो गई। अच्छा, आपके देवर मतलब आपके सपोर्ट फ्रेंड है तो वो देवर ही है? हाँ हाँ, देवर ही है। तो होता ही ऐसा कि एक दूसरे को घर बसाना, के लिए लड़की नहीं ढूंढोगे इतना ऐसे देवर के लिए? तो भाभी तो देखो, इनके जैसे भगवान और बनाना मेरे लिए सिर्फ, किसी और के लिए नहीं।